हाय बच्चों, आज हम लोग क्षारक के बारे में पढ़ेंगे। पिछले कक्षाओं में हम लोग अम्ल के बारे में पढ़े और अम्ल क्या होता है, डिफरेंट कंसेप्ट के आधार पर, अलग अलग अवधारणाओं के आधार पर अम्ल को परिभाषित किया गया और अम्ल का वर्गीकरण भी किया गया। इसी के साथ साथ अम्ल का गुण के बारे में आप लोग को बताया गया। आज हम लोग क्षारक के बारे में पढ़ेंगे। क्षारक क्या होता है? तो क्षारक जैसे कुछ फल जब आप लोग खाते हैं तो कुछ तो का स्वाद खट्टा होता है, कुछ तीखा होता है, अलग अलग स्वाद के फल होते हैं या पदार्थ होते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कड़वा या तीव्र होता है। तो इसको कभी आप लोग सोचे हैं इसका स्वाद कैसे कड़वा या तीव्र होता है? तो जितने भी पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कड़वा या तीव्र होता है उन्हें हम लोग क्षारक कहते हैं। जो क्षारक होते हैं वो लाल लिटमस को नीला में परिवर्तित कर देते हैं। और इसके अलावा कभी कभी आप लोग देखते हैं या ऐसा भी है कि क्षारक और क्षार दो चीज़ें होती है। क्षारक को हम लोग इंग्लिश में बेस कहते हैं, क्षार को अल्कली कहते हैं। तो ये क्या क्षारक और क्षार में क्या डिफरेंस होता है इसको हम लोग जानेंगे। तो जो क्षारक और क्षार में डिफरेंस होता है, तो सभी क्षार जो होता है क्षारक होते हैं, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते हैं। अर्थात जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम लोग क्षार कहते हैं। लेकिन ये जो अवधारणा है कि जो पदार्थ स्वाद में कड़वा होता है उसे हम लोग क्षारक कहते हैं या लाल लिटमस को नीला कर देता है उसे क्षारक कहते हैं। ये कंसेप्ट जो है प्राचीन कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट में, इस अवधारणा में कुछ कमियां पाया गया। जैसे सभी पदार्थ जो क्षारक होते हैं कड़वा नहीं होते हैं, कुछ में कुछ का स्वाद अलग भी होता है, फिलहाल वो क्षारक होते हैं। और कुछ जो लिटमस पेपर है वो नमी की उपस्थिति में ही रंग परिवर्तित करता है। इस तरह से प्राचीन कंसेप्ट में कुछ कमियां थी, तो उस कंसेप्ट को, उस अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए, मॉडिफाइड करते हुए एक नई अवधारणा आई जिसे हम लोग आरहेनियस कंसेप्ट के नाम से जानते हैं। आरहेनियस कंसेप्ट इंग्लिश में बोलते हैं। यह जो सिद्धांत है यह आयनन के आधार पे है। यह सिद्धांत आयनन के आधार पे है। यह सिद्धांत आयनन के आधार पर है। इस सिद्धांत के अनुसार हम लोग समझेंगे कि क्षार क्या होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। अर्थात आरहेनियस कंसेप्ट कहता है कि जो पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उन्हें हम लोग क्षार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र होता है KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। इस तरह से ये क्षार का एग्जाम्पल है और आरहेनियस कंसेप्ट जो है आपका आयनन के आधार पे है। तो इसको हम समझते हैं हम लोग कैसे आयनन के आधार पे होता है। इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब हम लोग जली विलयन बनाते हैं,
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आयनित हो जाता है और सोडियम आयन देता है हाइड्रोक्साइड आयन, यानी इसके जलीय विलयन में सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन होता है। इससे स्पष्ट होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है एक क्षार है, इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है आयनित होकर पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देता है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि ये जो है क्षारी कंपाउंड से है और इसका विलयन क्षारी प्रकृति का होता है। आगे हम लोग इस आरहेनियस कंसेप्ट में भी कुछ कमियां पाया गया जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आरहेनियस कंसेप्ट में क्या क्या कमियां थी इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे कमियां थी और इस कमियों के कारण बस इसे अलग कर दिया गया। तो आरहेनियस कंसेप्ट में जो है इसका माध्यम जल आवश्यक है सबसे पहले। दूसरा, यह कंसेप्ट कैल्शियम ऑक्साइड और अमोनिया आदि क्षार को एक्सप्लेन नहीं कर पा सकता क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड नहीं है। तो इसके कंसेप्ट की कुछ कमियां थी, जैसे अमोनिया एक क्षारी प्रकृति का यौगिक है तो कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि अमोनिया क्षारी प्रकृति का है, तो ये कंसेप्ट इसका एक्सप्लेन करने में असमर्थ था। इसलिए इस कंसेप्ट में कुछ कमियां थी, ये असफल हो गया। एक नई कंसेप्ट आया जिसे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट कहते हैं और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट के अनुसार हम लोग डिफाइन करेंगे कि क्षार क्या होता है। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी अवधारणा, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी अवधारणा ये कहता है कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण करें उसे क्षार कहते हैं। अ सब्सटेंस विच रिक्वायर प्रोटॉन इज कॉल्ड बेस। अब कैसे प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अनुसार प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है वो क्षार है। इसे देखिए, यहाँ अमोनिया एग्जाम्पल था, इसी को हम लोग समझेंगे। और अमोनिया की क्रिया जब हम लोग HCl से कराते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो बन जाता है अमोनियम क्लोराइड बनता है। इसमें होता क्या है कि ये HCl जो एसिड है इसका सबसे पहले आयनित होता है तो प्रोटॉन देता है और क्लोराइड आयन देता है। अब ये प्रोटॉन जो होता है अमोनिया के नाभिक पे अटैक करता है और अटैक करने के बाद ये अमोनियम आयन बना लेता है और जो क्लोराइड आयन उपस्थित है ये अमोनियम आयन से जुड़कर अमोनियम क्लोराइड बना लेता है। धन्यवाद।